लोकेशन है राजवंशी नगर है, स्टार्ट हो वेरी रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर। नमस्कार, अभी हम राजवंशी नगर पटना में हैं और आपको पता है कि पटना में लगातार जो है एक दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है और हम चाहेंगे कि आपको हालात जो हैं वो मैं दिखाऊं। ये पटना जो है ये मेन स्टेडियम बिजली बोर्ड का जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, ये उसके बाहर का ठीक है और आप देख सकते हैं कि पूरी जो पटना की जो सड़कें जो हैं हर एक तरीके से जो है पूरी पानी से भर चुकी है। ये जल जमाव जो है आप देख सकते हैं, पूरा सड़क जो है ऐसा लग रहा है कि नदी का रूप लिए जा रहा है। पोल कितना डूब गया है? पोल लगभग जो है सारा डूब गया है, नाली कहीं नाली नहीं, हर जगह जो है जल जमाव की स्थिति है। वो देख सकते हैं एक आदमी जो है कैसे जा रहे हैं। पिछले बार जो जल जमाव आया था उससे भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है, इनकी ड्रेनेज का नक्शा भी नहीं मिलता है, गायब हो जाता है सम्प हाउस पंप हाउस जो है कोई काम नहीं कर रहा। एक महिला है नमस्कार, कितना तकलीफ हो रहा होगा, पूरा पानी हर जगह लगा हुआ है, पूरा हर जगह। रुको रुको रुको, अच्छा अच्छा ना ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्थिति जो है पटना की है। और हर जगह पटना के कई एक आध इलाकों में जो है ये बारिश की समस्या जो है बड़ी रहती है हमेशा जो है, इसका कोई नाले वाले की जो व्यवस्था क्या है, यही पानी पूरा पूरा भरा हुआ है क्या, स्कूल से वहाँ तक स्टेडियम भी पूरा आगे उधर भी वहाँ भी पटना पूरा उधर डूबा हुआ है। हाँ, अब देखिए आप पिछले बार जो जल जमाव आया था उससे भी कोई सरकार ने सबक नहीं लिया है और पूरा देख सकते हैं, हम तो निकले हैं पूरा जो है लोग जो है इसी में परेशान है। सीएम तो एक दिन की जो बारिश हुई है वो हालत है और मॉनसून सीजन अब तो शुरू ही हुआ है। पिछले बार तो हथियार आप देखिए, नक्शा कहाँ है, ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा कहाँ है, सम्प हाउस और बड़े बड़े मोटर्स जो है वो लाए गए थे बाहर से, तो वो मोटर वगैरह क्या है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी हालत आप देख सकते हैं क्या स्थिति। सम्प हाउस का विजिट करने सीएम गए हैं, विजिट होने से क्या होगा, काम क्या किए हैं, एक साल में तो कहीं नहीं गए, एक साल में ये व्यवस्था, ये पटना जब राजधानी तो ये हालात है, राजधानी की है, दो तीन घंटे की हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी हेडक्वार्टर जिला हैं चाहे सहरसा हो मधेपुरा हो सारे जिला जो है इसी तरीके से थोड़ी सी बारिश के बाद डूब गया, हथिया भी नहीं चढ़ा है अभी तक, तो आप इमेजिन कर सकते हैं सरकार प्रशासन जो है लापरवाह है, थोड़ी सी बारिश में और ये हाल है। कोई 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 चीज़ें जो है व्यवस्था एकदम नहीं की गई है, फिर से वही सिचुएशन आने वाला है और हमको तो लगता है कि इस बार जो है और बुरा सिचुएशन आएगा। पिछले बार जो जल जमाव हुआ था लोगों ने पटना का हालत देखा था, बल्कि जल जमाव को बाढ़ का रूप दे दिया गया था, हम बोल देते नाव चल रही थी और अभी तो 4-5 घंटे की जो रात भर जो बारिश हुई है उससे पटना पूरा जो है डूब चुका है और अभी तो पूरा मॉनसून जब चढ़ेगा तब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम पटना का नगर निगम क्या कर रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सब पूरा घूस पूरी पूरी तरीके से चली हुई है, ड्रेनेज के नाम पे, नालों के नाम पर, मोटर्स के नाम पे, पंप हाउस के नाम पे पूरा घोटाला हुआ है और पूरा ये तो आंख से आप लोग देख सकते हैं कि अभी कल से जो बारिश हुई है थोड़ा मोड़ा अभी तो छीटा ही पड़ा है, अभी पूरी बारिश नहीं हुई है, तो बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है। मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं आज रिएक्शन करने के लिए चारों तरफ, ये आप देखे ना, जब बारिश से पहले निकल करके इंतजाम करना चाहिए और हम लोग तो ढोल पिटवाने वाले थे तो खाली औपचारिकता पूरी करने के लिए बाहर निकले, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए निकले,
अगर विपक्ष आवाज ना उठाता तो वो निकलते भी नहीं, ढोल की आवाज के पहले ही डर गए नीतीश कुमार। अब डरे नहीं डरे, लेकिन उनको जिम्मेदारी जो है वो निभाना चाहिए था। अब मॉनसून में क्या काम होगा, अभी कौन सा काम हो पाएगा, नाले का, ड्रेनेज का, नक्शा कहाँ है? पटना नगर निगम से नक्शा मांगिए, पटना का नाला का ड्रेनेज का नक्शा कहाँ है? पंप हाउस पूरे तरीके से जो है फेल हो चुका है, पिछले बार से भी कोई सबक नहीं सीखा गया है, फिर से लापरवाही हो रही है। अभी जो है नाव चला है, अभी मॉनसून पूरा आ जाएगा तो बड़े जहाज चलने पड़ेंगे रेस्क्यू के लिए। क्या ऑपरेशन, क्या नीति, क्या इन लोगों की प्लानिंग है? सरकार को तो अपनी कुर्सी की चिंता है, इनको जो है लोगों की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है। और ये केवल पटना की बात नहीं है, हर मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय वहाँ की ये दुर्दशा बनी हुई है। आप जैसे की स्थिति देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार भी वही हाल होगा पिछले हाल जैसा? उससे बुरा होगा। अभी देखिए मॉनसून अभी चढ़ा कहाँ है अच्छे से, अभी तो कुछ घंटों की बारिश में ये पटना का ये हाल है। और ये एक इलाका है, और इलाके आप जाएं तो आप तो वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। तो बिहार की क्या हाल होगी? आप बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर का आप समझ सकते हैं क्या है? तो इसके लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उसलिए तो हम कह रहे हैं पूरा जो है घोटाला हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री को बाकायदा पिछले बार की गलती से सबक सीख करके अभी काम शुरू कर देना चाहिए थे उसी टाइम, लेकिन अभी भी देखते हैं पानी निकासी का कोई जो है उपाय नहीं है। और ये सीएम हाउस से ज्यादा दूर नहीं है, ये राजवंशी नगर का इलाका है, चंद कदम आपका कुछ चंद कदम दूरी पे आपका सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है, हम लोगों का आवास है। ये तो पटना की ये स्थिति होगी। अब जो है मौसम जो है लगातार जो है देखने को मिलेगा। नहीं पटना में आगे क्या घूम के पोल खोल रहे हैं क्या बिहार में भी? नहीं पोल क्या खोलना, सब पोल तो खुल ही चुका है। अरे भैया जो लोग रह रहे हैं, जो लोग भुक्त भोगी हैं, वो लोग तो जान ही रहे। तो इसमें तो सरकार अभी भी सबक नहीं सीख रही है, पिछले गलतियों से अभी भी कुछ नहीं सीखा है। सरकार जो हजारों करोड़ ये दूसरे तरफ भी वही हाल है, ये हर जगह ये बुरी स्थिति है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री संप हाउस का जायजा ले रहे हैं और तेजस्वी यादव वाटर लॉगिंग का जायजा ले रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री निकले हैं जायजा लेने संप हाउस का। देखिए मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। पंप हाउस फेलियर जो है पूरी तरीके से सरकार इसमें फेल हो चुकी है। ड्रेनेज की व्यवस्था में, निकासी के मामले में, नाले के मामले में, पिछली बार इतनी बड़ी आपदा आई जल जमाव हुआ, बल्कि ये जल जमाव ये प्राकृतिक आपदा हम नहीं कहेंगे, बल्कि ये भ्रष्टाचार ही आपदा कहेंगे। और ये भ्रष्टाचारी आपदा जो हुई है इसमें आप कह सकते हैं कि पिछले गलतियों से भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है और नक्शा नहीं है। ड्रेनेज का, पटना के ड्रेनेज का नक्शा गायब हो जाता है, नक्शा नहीं मिल पाता। बाहर से मोटर मंगाए गए थे पिछले बार पास पानी निकासी के लिए, कहाँ है? फिर से वही चीजें देखने को मिल रहा है। जब लोग जो है भूखे मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, लोगों का घर मकान दुकान सब डूब जाएगा, तब सरकार जाएगी। साल भर नाला उड़ाही कर रहे हैं, सब जगह नालों को हम लोग चौड़ा कर दिए। एक साल हो गया, एक साल में इन्होंने क्या काम किया? पिछली बार से कुछ तो सबक सीखे होते, आज पानी निकासी यानी होनी नहीं चाहिए थी। क्या प्लानिंग है? आप बताओ, पटना स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है पटना। आप बता दीजिए, दिखा दीजिए क्या हाल है। मुख्यमंत्री तो निकले निरीक्षण के लिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री तो औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, हम लोग बोले हैं ढिंढोरा पिटवाएंगे तब निकल रहे हैं। अब निकल के क्या फायदा जब पानी से लॉगिंग हो गया? इसकी व्यवस्था तो मॉनसून प्री मॉनसून होनी चाहिए थी, प्री मॉनसून इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया इन लोगों। आपको लगता है पटना फिर डूबेगा, इसी तरीके की परिस्थिति होगी? अभी क्या हालात है, डूबने जैसी स्थिति तो हमें नजर आ रही है चंद घंटों के बारिश में। अभी तो पूरा पीक पे मॉनसून नहीं आया है, हत्या नहीं आया है, आ जाएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। चलिए तो तेजस्वी यादव कुछ अभी ले लीजिए, चलिए अभी ऑल पार्टी वाला मीटिंग है। हाँ ऑल पार्टी वाला मीटिंग है, नीचे उतरना है, फ्लैट में भी जाना है, राघोपुर जा रहा है। हम तो राघोपुर निकल रहे हैं, हम देखे कि स्थिति ये है। अरे बात है, हमको लगा कि वो तरिएगा। पटना में हो रही रुक रुक के बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संप हाउस का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो देखिए किस तरह से देखिए आए हुए हैं और निरीक्षण जो है
वो कर रहे हैं, जूता उतार लीजिए। हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव जो है वो पानी में निकल चुके हैं और जो है निरीक्षण जो है थोड़ा आगे बढ़ कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचे हैं पटना के और आप समझ सकते हैं जो स्थिति जो होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बिहार सरकार जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भ्रष्टाचारी आपदा है। सम्प हाउस फेल है, पंप हाउस फेल है, पिछले बार की गलती से सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है, पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। नक्शा बल्कि गायब है, जो नक्शा जो होता है वो गायब है, ड्रेनेज सिस्टम का, नाले का, पंप हाउस सम्प हाउस जो बाहर से लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जो मोटर इन्होंने खरीदने का काम किया था वो मोटर कहाँ है? और ये काम प्री मानसून पहले हो जाना चाहिए था, सरकार को पहले काम कर लेना चाहिए था। यहाँ आम नागरिक के हर साल का यही हाल होता होगा, हर साल का यही हाल है। तो ये व्यवस्था जो है बेहतर स्थिति, आप देखिए बगल में जो है स्टेडियम है बिजली बोर्ड का, वहाँ तो जाने लायक नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे घुटने से ऊपर पानी आ चुका है, आगे जाइएगा तो घुटने से ऊपर पानी आ चुका है। और ये पटना की राजधानी है, ये स्मार्ट सिटी है, जो हल्के से बारिश में डूब गया ये स्मार्ट सिटी है, आप समझ सकते हैं। पिछले साल 2019 में जो हाल था वो हाल क्या इस बार वैसा आपको लग रहा है कि हो जाएगा? उससे बद से बदतर होगा, सरकार को अपने गलती से सुधार करनी चाहिए थी। तो एक साल का जो दौरान था उसमें ये काम होना चाहिए था, अब तो मानसून आ गया, अब तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। कहाँ है बताइए, आप बताइए कि कहाँ है, क्या सिस्टम? मुख्यमंत्री जी अभी सम्प हाउस का निरीक्षण कर रहे हैं, मंत्री तो खाली औपचारिकता पूरी कर रहे हैं क्योंकि 100 दिन पूरा होने वाला था, तो दिखाने करके जो है बताना चाहते हैं कि जो व्यवस्था जो है हम देख रहे कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री तो 15 साल से यही मुख्यमंत्री है, हर साल आता है, क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? और ये काम तो प्री मानसून हो जाना चाहिए था, पहले ही निकासी जल जमाव होना ही नहीं चाहिए था अगर सरकार काम करती तो। अब मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, आप ढोल पिटवाएंगे कि नहीं पिटवाएंगे? जनता के बीच कहाँ गए मुख्यमंत्री, मजदूर के बीच कहाँ गए? यानी कि ढोल पिटेगा, ढोल तो पिटेगा, पानी भरेगा तो ढोल तो पिटाएगा। ये है तेजस्वी यादव, इधर परिचय करना है, जा रहे हो पानी में तो तुम जाने को ना, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार जी 15 साल मुख्यमंत्री, 15 साल में की समस्या को जो है वो निदान नहीं कर पाए। थोड़ा सा कमरा पीछे की नहीं आई है, प्लान जो है वो गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, सब हाउस फेल हो जाता है, पंप फेल हो जाते हैं, ले सकते हैं ये जल्द। यहाँ से सीएम हाउस जो है 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर के भीतर है, चंद कदम चलिएगा सीएम हाउस आ जाएगा। ये राजवंशी नगर का इलाका डूबा हुआ है, लोग बोले केवल पटना की बात नहीं पूरा जिला हेडक्वार्टर का बात, हर जगह जो है इसी तरह से पानी जल जमाव भरा रहता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, सरकार को अपने खुशी की चिंता है, कोई काम नहीं कर रहे और आज खाली औपचारिकता पूरी कर रहे। अगर 15 साल काम किया होता तो जल जमाव जो होता ही नहीं, किस बात के स्मार्ट सिटी है? और इतना बड़ा घोटाला हुआ है अर्बन डेवलपमेंट में, नगर निगम में, इसकी जाँच होनी चाहिए, कोई भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। पिछले बार की गलतियों से कुछ नहीं सुधरी ये सरकार, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि स्थिति और बद से बदतर है। आप क्या कर रहे हैं इस साल, और स्थिति बदतर होगी? अरे मुख्यमंत्री जो है वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, अभी तो हथियार नहीं आया है, मौजूद पूरा पीक पे नहीं आया है,
ये तो चंद घंटों की बारिश में रात से बारिश हुई है वो हालत हो गई है। तो क्या कहेंगे आप, स्थिति और बदतर होगी क्योंकि दो तरह की सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई है, पंप इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज नाला व्यवस्था होनी चाहिए थी, जल निकासी चाहिए। अब भाई को हटाइए भाई, जब हमें आता है, जब पता है कि सीजन में जल जमाव होगा उसकी तैयारी क्या है? मुख्यमंत्री खाली निकलेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री का? तो उनको तो बताना चाहिए कि आखिर इसका दोषी कौन है, आखिर यहाँ नाले की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, कच्चा गायब है, पंप काम नहीं कर रहा, सम्प हाउस काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसका दोषी और कोई नीतीश कुमार है, क्योंकि 15 साल से मुख्यमंत्री वो है। इस बार राजधानी पटना में जल जमाव नहीं होगा। आप देखिए तेजस्वी आज पहुंच गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जल जमाव में उतरे हैं। तेजस्वी क्या कह रही है? आ जाइए सर, मुख्यमंत्री को जब निकलना चाहिए तो 100 दिन से पिछले साल की धरती को सुधारते हुए उनको काम करना चाहिए था, उनकी अच्छी व्यवस्था करानी चाहिए थी, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था करानी चाहिए थी, सम्प हाउस मोटर्स वगैरह को पानी नहीं दिख रहा, कराना चाहिए था। मुख्यमंत्री कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा, हम कहते प्राकृतिक आपदा नहीं है, भ्रष्टाचारी आपदा है, पूरा भ्रष्टाचार का खेल हुआ। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पटना राजधानी है, सिटी है, स्मार्ट सिटी का हाल देख सकते हैं। ये लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं हमेशा रहते हैं, हमेशा जो है उनको इस प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, लेकिन पिछले बार की गलती से आप यहाँ राजवंशी नगर के इलाके में कुछ कदम दूरी पर सीएम हाउस है, बगल में मुख्यमंत्री का आवास है, और ये स्थिति बनी हुई है। हर जिला हेडक्वार्टर का पूरे बिहार में बच्चा बत्तर स्थिति है, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता रही, लोगों की परेशानी को उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। लेकिन बड़ी और ये तो देखिए अभी हत्या नहीं आया है, अभी पूरा पीक मॉनसून का नहीं आया और ये स्थिति बनी हुई है जल जमाव को लेकर के। कहा गया था कि इस बार पट्टा नहीं डूबेगा, तो आप तो नजारा देख लीजिए यहाँ से पूरा कैमरा अगर साइड हो जाए भाई, बिजली बोर्ड का जो स्टेडियम है पूरा आप देखिएगा जो है घुटने तक पानी अब तक आ गया है, और पैसा आखिर गया था, पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है, जमीन पे तो नजर नहीं आ रहा। अगर काम हुआ होता तो ये जल जमाव की स्थिति जो है ये नहीं हुई होती। जिंदाबाद।